नवरात्र आ गए फाइनली और बहुत ज्यादा प्रोटीन के सोर्सेज की कमी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम डिस्कस करें 10 प्रोटीन सोर्सेज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक। तो शुरू करते हैं हम अपने 10 प्रोटीन सोर्सेज। मेरा पहला प्रोटीन सोर्स है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में बहुत ज्यादा मल्टी विटामिन और मिनरल्स हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा ऐसे तीन मेन इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला विटामिन है विटामिन फॉस्फरस, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है विटामिन के। ये तीनों ही विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे मसल्स और ऐसी बॉडी, तो आपको ये स्प्राउट्स बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में इंटेक करना चाहिए, और नवरात्र तो बहुत अच्छा रीजन है वेज डाइट को फॉलो करने। सेकेंड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है पनीर। पनीर में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 और ना जाने कितने सारे विटामिन और मिनरल्स। इसमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नवरात्रि में आप पनीर को अपना एग्स का रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है सोयाबीन। सोयाबीन में है कॉपर, फॉस्फोरस और फोलेट। कॉपर बहुत ज्यादा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में नहीं होता, तो इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको कॉपर प्रोवाइड करेगा, जो आपकी मसल रिकवरी में और ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप सोयाबीन को ड्राई सोयाबीन को आप बॉयल कर सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं और अपनी मनपसंद सॉसेज डाल सकते हैं, और इस सबके मिक्सचर को सॉटे करके आप एक बहुत अच्छा हाई वैल्यू प्रोटीन मील क्रिएट कर सकते हैं। टोफू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हैं, और साथ साथ इसमें कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा पोर्शन है। ये बहुत ही हाई वैल्यू प्रोटीन मील है, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नवरात्रि में अगर आप वेज ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो टोफू बहुत अच्छा ऑप्शन। फिफ्थ प्रोटीन सोर्स जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है दाल। दाल हम सभी जानते हैं कि रिच ऑफ प्रोटीन है, मिनरल्स है, इसमें आयरन है, इसमें फाइबर है, इसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स है, और ये कम्प्लीट पैकेज है। आप दाल को जरूर ऐड करिए। अगर आपको दाल का टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रेड सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, ओरिगैनो डाल सकते हैं, और उसको एक फैंसी लुक देके आप उसको अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। सिक्स्थ ऑप्शन है स्पिनच। आप अपनी डाइट में स्पिनच बहुत ऐड करिए। अगर आप भी पोपाय द सेलर मैन की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं तो स्पिनच खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए सोया मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सोर्सेज में सोया मिल्क ऐड करें। आप ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। ओट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर है, ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और ये वेज सोर्सेज में वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। ओट्स में विटामिन है, मिनरल्स है, पोटेशियम है, विटामिन के है। एट सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा ब्राउन राइस। आप अपनी जिम डाइट में ब्राउन राइस जरूर ऐड करिए, एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये बहुत ही हेल्दी है, सेफ है, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर है, और इसमें आपको कार्ब्स भी मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, बॉडी में कार्ब्स जाना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट प्रोटीन के सोर्सेज रहने वाले हैं एलिमेंट्स एंड नट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो वैसे ये सब भी बहुत ज्यादा प्रोटीन के वेज सोर्सेज हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं, और एलिमेंट्स के अंदर फैटी एसिड्स हैं, फाइबर है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए एंड रिकवरी के लिए। फ्रूट्स के अंदर सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो और बहुत यूजफुल लगा हो। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।